और अब खबर लेंगे नर्मदापुरम से, जहां बता दें कि नर्मदा किनारे होने से नर्मदापुरम धार्मिक नगरी है और यहां अनेकों प्रख्यात मंदिर हैं जहां दूर दूर से भक्त भगवान के दर्शन करने आते हैं। नर्मदापुरम में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और इसी भीषण गर्मी से लोग तो लोग भगवान भी बेचैन हो गए हैं। भगवान को आराम देने के लिए बता दें और उनकी बेचैनी को यहाँ पर कम करने के लिए भगवान के भक्त मंदिरों में AC, वाटर कूलर और पंखों की मदद ले रहे हैं और भगवान को इस गर्मी से निजात दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। नर्मदापुरम में एक नहीं बल्कि अनेकों मंदिर हैं जहां भगवान को इसी प्रकार से ठंडक पहुंचाई जा रही है। ये इस मंदिर में इस भीषण गर्मी को देखते हुए यहां पर AC लगाए हुए हैं और यहां माँ योग निद्रा का जो मंदिर है नीचे, उसमें गर्भगृह में भी एक AC लगा हुआ है और यहाँ माता दक्षिणेश्वरी माता महाकाली के लिए भी यहाँ पर जो है गर्भगृह में AC लगा हुआ है, जिससे ठंडा वातावरण होता है और ठंडाई बनी रहती है और शीतलता बनी रहती है। और हम रात में भी AC को बंद नहीं करते, रात में भी हमारे यहाँ कंटिन्यू AC चलता रहता है ताकि ये ठंडक बनी रहे। जिस तरह हम ये समझते हैं कि अपने को गर्मी लगती है, मनुष्य लोगों को गर्मी लगती है, उसी तरह फिर हम भगवान के लिए भी ऐसा विचार करते हैं और उनको भी शीतलता के लिए कूलर, AC, पंखे इनकी व्यवस्था करके लगाते हैं। भगवान जी को गर्मी से राहत दिलाने के लिए हमने कूलर लगाए हैं, ये आप देख सकते हैं, और AC का काम चल रहा है, AC भी लगेगा और पंखे शीतलता के लिए लगाए गए हैं। नर्मदापुरम जिले का टेम्परेचर आज 41% है और इस भीषण गर्मी में लोगों का जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं जहां लोगों को गर्मी ने परेशान कर रखा है, वहीं इस गर्मी का असर भगवानों पर भी देखने को मिल रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं इस समय नर्मदापुरम के माता महाकाली दरबार में खड़ा हुआ हूँ। वहाँ माता जी को गर्मी से बचाने के लिए किस तरह से मंदिर समिति द्वारा AC लगाया गया है और इस AC को 24 घंटे माता रानी की सेवा में ठंडक प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है और 24 घंटे ये AC माता रानी को ठंडक प्रदान कर रहा है, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही और भी नर्मदापुरम शहर में ऐसे कई मंदिर हैं जहाँ पर भगवानों को गर्मी से बचाने के लिए AC और कूलर की व्यवस्था मंदिर समिति और पंडितों द्वारा की गई है ताकि भगवानों को गर्मी से बचाया जा सके। न्यूज़ 24 के लिए इंद्रपाल सिंह, नर्मदापुरम।